मौज ऐप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडिया गॉट टैलेंट के वाइल्ड कार्ड एंट्री में। मौज बना, हिट हो जा। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। लिवर एब्सिस का मतलब है लिवर टिश्यू के अंदर मवाद भर जाना। ये एक तरह का लिवर इन्फेक्शन है। लिवर में एक या एक से अधिक एब्सिस हो सकते हैं। लिवर में एब्सिस का कारण किसी जीवाणु द्वारा फैलाए जाने वाला इन्फेक्शन होता है। ये बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगस के कारण भी हो सकता है। लिवर एब्सिस के लक्षणों में सबसे सामान्य है पेट के ऊपरी दाहिने भाग में दर्द होना और बुखार। इसके अलावा मितली आना, उल्टी, भूख न लगना, कपकपी चढ़ना और थकान महसूस होना भी लिवर एब्सिस के लक्षणों में प्रमुख है। कभी कभी एब्सिस फट जाते हैं और ऐसे में मवाद फेफड़े, हृदय और पेट आदि में फैलता है। इससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है, पेट में कहीं भी दर्द की शिकायत होती है और एडवांस स्टेज में मरीज को पेशाब कम आने और फ्रैंक सेप्सिस की वजह से ऑल्टर्ड सेंसोरियम जैसी परेशानी से भी जूझना पड़ता है। अल्कोहल का अधिक सेवन करने वाले लोगों में एब्सिस बनने की आशंका ज्यादा रहती है। इसके अलावा सुस्त इम्यून सिस्टम और डायबिटीज, एचआईवी या कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी करा रहे लोगों में भी लिवर एब्सिस की आशंका बढ़ जाती है। लिवर एब्सिस का निदान करना आसान होता है। लिवर की अल्ट्रासाउंड जांच से एब्सिस का पता चलता है। अगर तब भी संदेह हो तो सिटी स्कैन की मदद ली जा सकती है। लिवर एब्सिस एक गंभीर स्थिति होती है और समुचित हेल्थ केयर सुविधा में किसी स्पेशलिस्ट की मदद से ही इसका उपचार कराना चाहिए। मरीजों को शुरू में ओरल एंटीबायोटिक्स या एंथेलमिंथिक्स और पेन किलर्स दिए जाते हैं। इलाज पर रिस्पॉन्ड करने वाले मरीजों की स्थिति में 4 से 5 दिनों में सुधार दिखाई देता है और बुखार दर्द भी दूर रहता है। लेकिन कुछ मरीजों में बुखार लगातार बना रहता है और उन्हें पेट में तेज दर्द या एबनॉर्मल ब्लड टेस्ट की शिकायत हो सकती है। जिन मरीजों में इसका साइज बढ़ा हुआ होता है या इसकी लोकेशन लिवर के बाईं तरफ यानी कि दिल के नजदीक होती है तो अस्पताल में भर्ती होने और इंट्रावेनस एंटीबायोटिक से उपचार किया जाता है। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनके मामले में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की भूमिका काफी जरूरी है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट सुई और सिरिंज की मदद से सुरक्षित तरीके से बिना आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचाए लिवर से मवाद निकालने में माहिर होते हैं। कभी कभी वो लिवर एब्सिस कैविटी में एक ट्यूब भी लगाकर छोड़ देते हैं। इस ट्यूब की मदद से धीरे धीरे कुछ दिनों में मवाद खाली होता है और रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।